Assalamu alaikum. Boom, let's draw. Assalamu alaikum. कैसे हैं सब बच्चे? ठीक ठाक हैं? स्टोरीज पसंद आ रही हैं आपको? अच्छा, मैं आज बड़े मजे की स्टोरी लेके आई हूँ. तो कहानी कुछ इस तरह है. मुर्गी के घर में बत्तख का बच्चा. एक दफा का जिक्र है कि एक बत्तख दरिया के किनारे रहती थी. वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी. एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास चली गई. डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी. वो ये सुन के बहुत परेशान हुई. उसके पास अब एक अंडा था. उसको डर लग रहा था कि अगर मैं मर गई तो उसके अंडे का क्या होगा. अंडे के होल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा. लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे. उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया. बेचारी बत्तख ने उनकी काफी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी. बेचारी बत्तख भी क्या करती. उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो जरूर मेरी मदद करेगा. लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया. भाई, आप मेरे बच्चे के मामू हैं, प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना. मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात कभी नहीं मानेगी. लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम मुझे माफ कर देना. बत्तख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए. अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया. उसने अपना अंडा मुर्गी के अंडों में छुपा दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई. उसके बाद बत्तख की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई. जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बत्तख का बच्चा भी था. मुर्ग तो सब जान गया था लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब नहीं समझा. मुर्गी ने काफी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बत्तख का बच्चा नहीं रहेगा. मुर्ग ने उससे काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी. मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बत्तख के बच्चे के साथ नहीं खेलना. एक दिन मुर्गी ने दरिया के किनारे शहर को जाने का प्रोग्राम बनाया और सोचा, हम सब वापस आएंगे और बत्तख के बच्चों को वहीं छोड़ आएंगे, इस तरह से हमारी जान छूट जाएगी. फिर एक दिन मुर्गी अपने तमाम बच्चों को लेकर दरिया के किनारे शहर को गई. वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा. ये देखकर मुर्गी जोर जोर से चीखने लगा. चूंकि बत्तख के बच्चे को तैरना आता था लिहाजा उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चूजे को निकाल कर बाहर ले आया. मुर्गी ने जब देखा तो उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदा हुई. उसने बत्तख के बच्चे से माफी मांग ली और उसके अपने साथ अटैच कर लिया. देखा ना कितनी अच्छी कहानी है. उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे. मुर्गी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. अगर आपको मेरी वीडियोस और स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू। ओके।